साल 2019 के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में हरियाणा के सियासत में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। इनेलो और बसपा 2019 के चुनाव के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिए हैं और दोनों दलों ने गठबंधन कर लिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बसपा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद इनेलो बसपा की बैसाखी के सहारे के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है। जानकारी के मुताबिक अभय चौटाला ने इस दौरान कहा कि ये गठबंधन थर्ड फ्रंट की नींव रखने वाला है। थर्ड फ्रंट की नेता बहन मायावती होंगी और प्रदेश और केंद्र में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बीजेपी ने प्रदेश को 3 बार जलाने का काम किया है। इनेलो और बसपा मिलकर प्रदेश में भाईचारा कायम करेंगे। अभय ने कहा कि अब देश में बदलाव के लिए किसान दलित एकजुट हुए हैं। तीसरे मोर्चे की जिम्मेवारी बहन मायावती को दी है और अब गैर कांग्रेस और बीजेपी दल एकजुट करेगी। इनेलो और बसपा एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी और पिछले 14 साल से सत्ता का बनवास काट रहे हरियाणा के मुख्य विपक्ष व क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल ने सत्ता में वापसी की राह तलाशना शुरू कर दिया है। इनेलो नेता पिछले काफी समय से बसपा के हरियाणा के नेताओं से संपर्क में। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।